साबका सीएम चन्नी ने स्टंट बयान ते स्पष्टीकरण दिता है। चन्नी ने सुनील जाखड़ नूं पुराना बयान याद करवाया है। दस दे कि पुराने भाषण विच जाखड़ पीएम मोदी का इस्तीफा मंग रहे ने, वाला बयान जोड़ा है याद करवाया गया है। पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए पीएम का इस्तीफा मंगया गया से उस बयान दे विच ते चन्नी ने कहा कि मैनू अपने देश के जवानों ते मान है। सुनील जाखड़ का साबका सीएम चन्नी ते पलटवार किया गया है। ट्रूडो की बोली बोल रहे ने चन्नी जाखड़ दे वल्लों कहा गया। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने चन्नी ने कैनेडा दे विच केड़ा थेसिस लिखा है कि चन्नी दे गाई ट्रूडो सन। जाखड़ दे वल्लों सवाल चुके गए ने। जाखड़ ने यह भी कहा कि चन्नी दे वर्गे लोग कांग्रेस की बोली बोलणगे। कैनेडा दे विच रहे ने उत्थे उन्होंने किहड़ा थेसिस लिखिया है जाखड़ दे वल्लों कहा गया। इस नाल ही जाखड़ ने कहा कि ट्रूडो जिहड़े ने चन्नी दे गाइड ने। इस नाल ही जाखड़ ने होर भी तंज कसदे होए कहा कि चन्नी वर्गे लोग जिहड़े ने कांग्रेस दी बेड़ी गर्क करनगे। सुनील जाखड़ का साबका सीएम चन्नी ते पलटवार किया गया है। जाखड़ ने चन्नी वर्गे लोग कांग्रेस की बेड़ी नूं डोब देणगे जाखड़ दे वल्लों कहा गया है। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने जिहड़े कैनेडा दे विच रहे सन उसका उस वेले की वह थेसिस लिख रहे सन। जाखड़ दे वल्लों यह बयान दिता गया। हमारे जो देश के जवान है हमें उन पर गर्व है जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है। आपके जो गवर्नर गए थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने पहले आगाह कर दिया था कि ऐसे अटैक फिर हो सकते, ये राजनीतिक है। आपका जो प्रधान है बीजेपी का पंजाब का सुनील जाखड़, जब पहले अटैक हुआ 40 जवान शहीद हुए, उसने प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा था कि ये साजिश के तहत अटैक हुआ। उसकी मेरे पास वीडियो है, मैं जारी कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी जनता में स्टेज पे बोला कि जी अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगो, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। आज फिर जवान शहीद हो गए हैं। मैं जाखड़ जी से पूछना चाहता हूं आज आपका स्टैंड क्या है। आप, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी से कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता के काफला लुटा क्यों। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे जवान मारे जा रहे हैं। पिछली बार जब जवान शहीद हुए तो मैं कांधा देकर SCM उनको शमशान तक लेकर गया। हर बार ऐसे क्यों करे, ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल है। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है, मेरा ये सवाल है। धन्यवाद। चन्नी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर भी हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस CEW पंजाब के दो नुमाइंदे हैं वहाँ पे, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चन्नी जी। ये दोनों ने मिलके पंजाब को बदनाम करने का, पंजाब के अंदर आपसी सौहार्द जो भाईचारा बना हुआ है उसको दफन करने का इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ स्कीम बनाई है, कांग्रेस को दफन करना है। ये लोग ऐसे बयान बेतुके बयान दे रहे हैं। एक तरफ आप राहुल गांधी जी के बयान देखिए,
उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट है, आप राहुल जी का ट्वीट देख लीजिए और चन्नी जी का ट्वीट देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के प्रति कुंडक निकालने वाला ये जो है, ये लोग कांग्रेस की पीढ़ी यही डुबोएंगे। मनोज बजाओ, किसी इस किस्म के साजिश की कोई बात नहीं की जो आज चन्नी जी कह रहे हैं। मैंने किसी बात को स्टंट नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि इस किस्म का जो माहौल है, परिवार एक अपने शहीद की बॉडी का इंतजार कर रहा था, उसको पहले यहाँ परिवार में आना चाहिए था, बीजेपी के नेता आके यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दे सकते थे। बिल्कुल सुनील इस बात से आज भी खड़ा था, सुनील कोई चन्नी नहीं है, सुनील को ये बडिंग नहीं है, सुनील को ये दूसरे लोग रंग बदलते नहीं है साहब। सुनील चाहे जहाँ भी खड़ा है, सुनील के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं पंजाबी हूँ साहब, ये रंग बदलने वालों में सही, हम अपनी बात के ऊपर पैरा देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इन लोगों में इतने गट्स नहीं है कि ये सच को सच कह या करण भाई है, साइड हो जाओ, मनोज भाई साइड हो जाओ, थोड़ा सा बोलना भाई, हटाएंगे बोलेगा तभी। एक गरीब आदमी जो अपने आप को सुदामा कहते हैं, वो थीने के लिए और कांग्रेस के ऊपर थीसिस लिखने के लिए कनाडा जाता है, तो वहाँ पे इनके कौन थे गाइड, कौन थे क्रूदो जी, थे क्या, कौन से प्रोफेसर से बैठ के इन्होंने लिखा क्रूदो को उनको प्राइम मिनिस्टर कनाडा को, क्योंकि देश के बढ़ते हुए प्रभाव से। अंकिल भाई थोड़ा साइड हो जाओ यार, भाई जो है ये छेवी आंख उन्होंने चन्नी जी को बढ़ा के हमारे जो देश